श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हर लाइफ में ये सवाल आता है कि गुरु जी हमने ये सपना देखा, हमने ये सपना देखा, तो सपनों का क्या अर्थ है, और बुरा सपना आया तो उससे बाहर कैसे निकलें, और अच्छा सपना आया तो उसको यथार्थ कैसे करें। सबसे पहले अगर आप किसी सपने को देखते हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो सपना आपके मनोभाव का एक आईना तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, हमने न्यूज़ में एक लाइन पढ़ लिया, हमें लगा हम पढ़ के भूल गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है। तो जब भी एक सपना आप देखें और वो सपना बिल्कुल ही लिंक से बाहर हो, मतलब उसका आपके वर्तमान से कोई लेना देना ना हो, तो आपको पहले तो ये एनालिसिस करना होगा कि ये सपना सही में भविष्य में आने वाली घटना के बारे में है या इसको मैंने एक्यूमुलेट किया है, उसके कैरेक्टर्स को मैंने एक्यूमुलेट किया है। किसी से आप मिले, किसी से कुछ बात करी, ठीक है, किसी के बारे में कुछ सुना, ठीक है। अब दिमाग का क्या काम है कि आपको ट्रिक करता है, और वैसा जब आपको ट्रिक करता है तो आपको अपनी मेहनत को बचाने के लिए कोई भी सपना अगर आपको याद रह जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं आप ट्रिक तो नहीं हो रहे हैं अपने माइंड से, पहला विषय ये। दूसरा, जो सपने होते हैं वो हमेशा आपको किसी चीज़ की ओर इंकित करते हैं, मतलब सपना जो होता है कभी भी डायरेक्टली सत्य नहीं होता है, होता है 1% होता है, उसके लिए आपकी चेतना उस तरीके से जागरूक होनी चाहिए। तो आपको दूसरा चीज़ ये देखना है कि अगर अमुक घटना आपको सपना में दिख रहा है तो आपके वर्तमान जीवन में अगर वो क्रियान्वित होता है तो आपके जीवन में उसका क्या फल होगा। अब आपने देखा कि आप हवाई जहाज से नीचे गिर गए, तो प्रैक्टिकल जीवन में तो हवाई जहाज से नीचे गिरना ये संभव नहीं है, ठीक है, कि आप कूद जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा सपना आया तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो वो अपने वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए आप ये समझेंगे कि क्या कहते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। थोड़ा बहुत जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के विषय में किताबें हैं उसको भी पढ़ करके आप तैयारी कर लें, क्योंकि जो मैं मंत्र दे रहा हूँ ये जब एक बार चलेगा तो इसकी वापसी नहीं होती है। तो किसी सपने को आपने सोचा, जल लेके अपने हाथ में संकल्प कर लिया ये सपना सत्य हो या ये सपना होने से रुक जाए, तो फिर उसकी वापसी नहीं होगी, वो कभी सत्यता में, मतलब वो जो भी सपना है वो वहीं रह जाएगा। तीसरा जो सपना का श्रेणी है वो होता है जिसमें आपके पितृ या आपके ऊपर जो एक महात्मा को बैठाया जाता है, जो आपको पिछले जन्म से जन्म में जोड़ती है, या आपके गुरु, ऐसे लोग जब आपको सपना में कोई दिशा निर्देश देते हैं तो कई बार हम लोगों को वो भी याद रहता है, ठीक है। अच्छा, उसको कभी भी वैसे सपनों को सत्य करने की कोशिश जो है मंत्रों द्वारा नहीं करना चाहिए। कई बार प्रेत आपको किसी के रूप में भ्रमित कर सकते हैं, आप कोई साधना कर रहे हैं या कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी प्रेत को वो पसंद नहीं आ रहा है या किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है जिसके पास स्वप्नेश्वरी साधना है, वो किसी प्रेत को भेज करके सपने में आपको भ्रमित कर देगा कि भैया ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो आपको लगेगा वो सपने में पता नहीं एक बहुत प्रचंड देवता है, उन्होंने हमें बोला ये नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए काम, तो चलो गुरुजी ने मंत्र दिया उसको जप लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। किसी का बोला हुआ वाक्य उस पर इस साधना को आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि कैसे करनी है साधना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान साधना है। जिस समय आप जगें, क्या होता है कि सपनों को देख के आप जगते हैं और फिर सो जाते हैं, है ना, ऐसा मेरा भी पहले आदत था,
अब तो मुझे सपने नहीं आते। जब आता था तो मैं क्या करता था कि जैसे सपना आधा देखा, उसके बाद मेरी नींद खुल गई तो मैं फिर सो जाता था, और सपना वहाँ से आगे बढ़ता था फिर, कि आगे की कहानी क्या हुई। ठीक है, और इस चक्कर में क्या होता है कि जैसे मैं तो आगे की कहानी देख लेता था, परंतु लोग जो मुख्य सपना का जो केंद्र है वो भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो एकदम जैसे उठे वैसे ही अगर अच्छा सपना है, ठीक है, 2 मिनट सोच लिया ये सपना हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे जीवन में यथार्थ हो तो अच्छा है, तो एक मंत्र है उसका हस्तमाला पर 108 बार जाप करेंगे। क्या है मंत्र? ओम ओम ह्रुम। क्या? ओम ओम ह्रुम फट विष्णवे स्वाहा। ओम ओम ह्रुम फट विष्णवे स्वाहा। ओम ओम ह्रुम फट विष्णवे स्वाहा। यही आपको लगे कि आपने बहुत बुरा मंत्र, मतलब बहुत बुरा आपने एक सपना देख लिया है और आपको उसके लिए मंत्र चाहिए, तो क्या मंत्र रहेगा सपने को काटने के लिए? ओम ओम ह्रुम फट नरसिंह स्वाहा। जहाँ पे विष्णवे था वहाँ पे नरसिंह लगा देंगे, तो जो सपना है वो कभी भी सत्य नहीं होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सपना विपरीत भी दिखाता है। जैसे एक आध सपना है बहुत जाना माना सपना, कि आप कहीं भी जो है मल में अगर फंसे हुए हैं, तो उसका मतलब देखिए, तो मल में जब फंसे हुए हैं तो आप ऐसे तो मल में फंस नहीं सकते, लेकिन मल में जब आप फंसते हैं इसका मतलब है कि माया में, मतलब धन में आप फंसने वाले हैं। तो इन सब का अध्ययन करके ही इन सब मंत्रों का प्रयोग करें। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती और रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को धनवान बनाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालय यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं।